चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पीशीज। ये भी वो टॉपिक है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जिसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते थे, एटम का सिंबल लिखते थे। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, कैपिटल लेटर जेड, और ये होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। मतलब एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, जेड इक्वल टू पी होता है। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है तो पी यानी प्रोटॉन प्लस चार्ज, तो जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि न्यूट्रल एटम के लिए जितना जेड उतना पी और उतना ही ई, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये न्यूट्रल नहीं होता तो जेड इक्वल टू पी ही होगा, ठीक है, जेड इक्वल टू पी ही होगा। अच्छा, मास नंबर क्या होता है, मास का सिंबल होता है ए, और ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम, यानी ए इक्वल टू पी प्लस एन। और एक एलिमेंट का जो सिंबल है, सिंबल को ऐसे लिखते हैं, एक्स नाम का एलिमेंट है, यहाँ पे सिंबल में देखिए एक्स नाम का एलिमेंट है, जेड यानी एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ए ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कौन कौन सी, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोडाइपर्स। आइसोटोप्स क्या है ये भी आपने 9th में पढ़ा है। देखो आइसोटोप्स में ये तीन चीजें तो सेम होती है और ये दो चीजें डिफरेंट होती है, ठीक है। सबसे बेसिक याद करने के लिए मैंने जिसे बोल किया है कि आइसोटोप्स में क्या होगा, जेड तो सेम होगा लेकिन डिफरेंसेस में क्या होगा, ए डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोबार में उल्टा हो जाएगा, क्या, आइसोबार में ए तो सेम होगा लेकिन जेड यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। इस डेफिनेशन में ये बेसिक है, ठीक है, इनमें आप ये चीजें भी डाल देंगे तो थोड़ा रिच हो जाएगी कि ये डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलैरिटी है। बट यस, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप खाली दो हेडिंग्स डार्क वाली याद कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट, और इनका ये वन वन एग्जाम्पल आप कर लीजिए, जिसमें जो भी आसान लगे, वन एच टू वन एच थ्री, ठीक है। इन दोनों में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आप इनमें कर सकते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है वहां पे बाकी सारी चीजें अलग अलग होती है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, प्रोटॉन भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको लिखनी है, और कोई भी एक पेयर जो आपको आसान लगता है इन एग्जाम्पल में से आप याद कर लीजिए। फिर होता है आइसोडाइपर्स, क्या होते हैं आइसोडाइपर्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एन माइनस पी की वैल्यू जिनमें सेम होगी उन एंटिटीज को आइसोडाइपर्स कहते हैं, और इनका भी इनमें से कोई आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है। अब इनमें आता है असाइनमेंट, ठीक है, इस टॉपिक पर ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। इस असाइनमेंट में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, कुछ अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इस असाइनमेंट के जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो मैं अब आपका बोर्ड पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस अब हम बोर्ड क्लासरूम में स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इसके पहले जो क्वेश्चन था 43 था, वो बाय मिस्टेक 42 लिखा रह गया था, ठीक है, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन नंबर 43 था। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन इज एन आयन विद मास नंबर 56, मास नंबर 56 मतलब पी प्लस एन 56 है, इट कंटेन्स 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस 3 का चार्ज है, and it is having 30.4% more neutrons than electron. Electron के comparison में इतने neutrons ज़्यादा हैं. Assign the symbol of the iron. ठीक है, तो same manner में start करते हैं, तो हम क्योंकि electron से compare करना है तो let the number of electron x मान लेते हैं. Neutron कितने हैं, x में x का 30.4% ज़्यादा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.304x आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, तो देखो बच्चों सिंबल क्या मैं बोल दूँ, ये बनेगा अगर प्लस 3 का 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अपराइट कॉर्नर पे मैंने प्लस 3 लिखा, अगर एटम न्यूट्रल होता, अगर प्लस 3 नहीं होता तो क्या हम बोलते, जितना पी उतना ई, लेकिन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हटा लिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, यानी कि प्लस 3 का चार्ज आया, ठीक है, तो यानी प्रोटॉन के नंबर में से 3 कम कर दे तो इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर में से 3 कम कर दे तो इलेक्ट्रॉन बन गया, या इलेक्ट्रॉन प्लस 3 कर दे तो प्रोटॉन बन गया, तो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन बना दिया इलेक्ट्रॉन प्लस 3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने माना था x, ठीक है, न्यूट्रॉन इतना हो गया और प्रोटॉन इतना हो गया। अब आपके पास मास नंबर का क्या फॉर्मूला है, p प्लस एन इक्वल टू 56 होता है, p की वैल्यू रख दीजिए x प्लस 3, n की वैल्यू रख दीजिए 1.304x इक्वल टू 56, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी
23। अच्छा, एक्स यानी इलेक्ट्रॉन आ गया, हमें सिंबल के लिए पी चाहिए। पी चाहिए मतलब प्रोटॉन का एक्सप्रेशन x प्लस 3 है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 26। और 26 एटॉमिक नंबर, अगर आपको सिंबल नहीं याद है आप सिंपली एक्सप्रेशन लिख दीजिए सिंबल का, 26x 56 और अप राइट कॉर्नर पे प्लस 3। वैसे जो 26 होता है वो आयरन का होता है, तो मैंने वहां पर आयरन का भी सिंबल मेंशन कर दिया है।